नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर सतीश रथ के साथ कोविड 19 की जो इस वक्त महामारी बड़ी तेजी से फैला हुआ है हिंदुस्तान में, उसके बारे में। सतीश, अगर आंकड़े देखें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अखबार में हेडिंग्स भी आ रहे हैं, संख्या थोड़ा कम हो रहा है, पर अगर डेली केसेस को देखें, एक दिन दो दिन का नहीं, 7 दिन का देखें, कम से कम एक ट्रेंड जिससे मालूम होता है, या आपकी जो उसको हम लॉगरिथमिक ग्राफ बोलते हैं जिसे ट्रेंड दिखाई पड़ता है, वो देखें, तो उस पर अभी तक फ्लैट थोड़ी सी हो रही है, 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में, या 4 लाख के थोड़ी ऊपर जाने वाली एक दो दिन हो रही है, पर अभी भी उस तरह से कोई रुकावट या कोई गिरने की अंदेशा तो अभी तक नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि अभी भी एक फ्लैटनिंग कह सकते हैं, पर ड्रॉ कर्व नीचे आने की अभी भी नजरिया नहीं दिखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है प्रबीर। इसमें दो तीन बातों की ओर निर्देश करना चाहूंगा। एक तो बात यह है कि ये सही मसला है कि जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे थे, देश का आंकड़ा जिस एक आंकड़ा पूरा जिस तेजी से बढ़ रहा था, वो अब बढ़ नहीं रहा, ये फर्क हुआ है। लेकिन इसमें परेशानी ये है कि माना कि तेजी से बढ़ नहीं रहा, लेकिन जितने बीमार मरीज अस्पतालों में दाखिल है, जिन आंकड़ों की वजह से अस्पतालों पे बड़ा दबाव है, स्वास्थ्य कर्मी सारे 24 घंटे काम में लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था में डोला डाल है, वो तो आसार वैसे ही है जैसे पिछले हफ्ते थे, क्योंकि वो आंकड़े अब कम नहीं हुए। जब तक वो आंकड़े कम नहीं होते अस्पताल में दाखिल लोगों के, तब तक परिस्थिति में सुधार हुआ तो नहीं माना जा सकता ना। बिल्कुल सही है। और आंकड़ों के साथ मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमें देखना पड़ेगा एक्टिव केसेस इस वक्त कितने हैं। नए केस जो दिन में देखने को मिलता है, उससे अंदाज हम लगा सकते हैं क्या आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक फ्लैट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, वो हम अंदेशा लगा सकते हैं। पर अगर अस्पताल की मरीजों की स्थिति देखना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्टिव केसेस इस वक्त कितने हैं और वो क्या कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। और अभी भी सत्यजीत ने जो बताया, एक्टिव केसेस भी कम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कि अस्पताल के ऊपर जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा। और दूसरी बात है कि कुछ बड़े शहरों में नंबर्स जरूर घट रहे हैं इस वक्त, इसीलिए ऑक्सीजन के प्रेशर, जैसे दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो शायद, उसमें कम हुआ है। पर अभी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर ऑक्सीजन की प्रेशर बरकरार है। और अगर इस बार जो देखने हम देख रहे हैं कि रूरल एरियाज, गांव में कोविड काफ़ी तेजी से फैला हुआ है और वहां पर ऑक्सीजन पहुंचना भी संभव नहीं है, वहां पर अस्पताल में लोगों को, मरीजों को पहुंचना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो ये सतीश की बात को मैं पुष्टि करना चाहता हूँ, आंकड़ों के अगर आप देखें तो ये अभी तक ये कम नहीं हो रहा है। तो सिर्फ उतना, हाँ, सिर्फ उतनी बात नहीं है प्रबीर। मैं तो आगे जाके ये कहूंगा कि अपन ये ना सोचें कि एक आंकड़ा जो देश का हम देख रहे हैं सिर्फ उसकी ओर ध्यान ना दें, बल्कि कई आंकड़ों की ओर ध्यान दें जो अलग अलग इलाकों के आंकड़े हैं। और फिर आप देखने अपन देख सकते हैं कि जो जिन राज्यों में, जिन मैं राज्य भी नहीं कहूंगा, जिन इलाकों में पहले पहले आंकड़े बड़ी तेजी से बढ़े थे, उन इलाकों में जरूर थोड़ी कमी हो रही है उस बढ़त की, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी संख्या में देश के कई जनपदों में, कई जिलों में अभी तक आंकड़ों की बढ़त बरकरार है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार महामारी के फैलाव का विस्तार बहुत बड़ा है देश में,
और उसमें आपने जो जिस परेशानी की ओर निर्देश किया वो हमने ध्यान में रखनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि सरकारी यंत्रणाएं भी उसकी ओर ध्यान दें। वो ये है कि रूरल जिलों में इतनी वैद्यकीय सुविधाएं हैं नहीं, उतनी पर्याप्त मात्रा में है नहीं कि ऑक्सीजन जैसी या अन्य खास दवाओं के इस्तेमाल जैसी सुविधाएं वहां तक पहुंचा सके। तो वहां का कोविड का हाल क्या है इस पे खास ध्यान देना चाहिए, अलग से देना चाहिए और उसके लिए अलग तरीके से सरकारी और गैर सरकारी यंत्रणाओं ने कार्यान्वित होना चाहिए। जो कैसे इन इलाकों में हम मेडिकल हेल्प पहुंचा सकते हैं ताकि कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन कम से कम मिले, उसकी इंतजाम कर सकते हैं और वो तुरंत अगर करें तो शायद कुछ राहत मिलेगी। इस वक्त हालत रूरल एरियाज में, गांव में बहुत ख़राब है क्योंकि पिछले वेव के जगह इस बार की जो वेव है इसकी फैलाव सतीश ने जो कहा काफ़ी ज़्यादा रहा है और काफ़ी विस्तृत रहा है और इसीलिए इस बार गांव भी इस महामारी की प्रकोप में इस वक्त हैं। सत्यजीत, एक और बड़ी इश्यूज जो है दवाइयों को लेके चल रहा है क्योंकि काफ़ी हद तक डॉक्टर्स भी जो कहने लगे हैं उसमें भी लगता है कि कुछ हद तक एक पैनिक सा सिचुएशन है। वो कह रहे हैं कि बहुत तुरंत स्टेरॉइड देना शुरू करें, ये भी कुछ कहने शुरू करे हैं कि स्ट्रोक हो सकता है इसीलिए ब्लड थिनर एस्पिरिन अभी प्रोफिलैक्टिक रूप में लेने लगे। गोवा में अब तो सबको आइवरमेक्टिन दी जा रही है कह के ये प्रोफिलैक्टिक है। तो ये सब देखते हुए कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत नहीं है क्या? अभी भी ICMR की जो रिकमेंडेशन है उस पे अभी भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के जिक्र है। तो इन सब देखते हुए क्या डॉक्टरी रूप में क्या अभी तक स्थापित हुआ है जिसके आधार पे हमें चलना चाहिए और कौन कौन सा चीज़ें करने से उसमें खतरा पैदा हो सकता है उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताओ। तो इसमें ये जो मुद्दा प्रबीर आपने उठाया वो अभी अपन ने जो पहले मुद्दे की बात की उससे भी थोड़ी लेन देन रखता है। वो यूं कि गांव में डॉक्टरों के पास उतना अनुभव नहीं है कोविड का, उतनी जानकारी क्या वहां तक पहुंची है नहीं पहुंची है, सुचारू रूप में पहुंची है, ये सब खुले सवाल हैं, इनके जवाब अपने पास है नहीं। और जब ये होता है और कोविड गांव में शुरू हो जाए तो जायज है कि डॉक्टर भी कहेंगे कि अरे भैया ढूंढो यहां वहां और हाँ ये दे दो, हाँ वो दे दो। अब इसमें अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी वैज्ञानिक समझ अपन ने और अपन की दर्शकों ने ध्यान में लेनी चाहिए। विषाणु शरीर में जाता है, विषाणु का प्रसार होने लगता है, विषाणु के आंकड़े बढ़ने लगते हैं, उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन के शोथ के लक्षण भी बढ़ने लगते हैं। शोथ और इन्फ्लेमेशन के दो परिणाम है, एक तो विषाणु की बढ़न को काबू में लाता है, दूसरा तो अपने आप ही बीमारी के लक्षण भी पैदा करता है इन्फ्लेमेशन या शोथ। तो जाहिर है कि यूं जब देखो तब जब बीमारी की शुरुआत है, जब विषाणु का आंकड़ा बढ़ रहा है और शोथ बहुत आगे नहीं आया है, प्रभाव नहीं डाल रहा है, तब वक्त है कि विषाणु के खिलाफ की दवाइयां ज्यादा दे दें, जैसे कि रेमडेसिविर दे दें। अगर आप अमीर हो तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वगैरह दे दें, जो आम लोगों को क्या आपको हमें भी मिलने पाएंगे आसानी से। लेकिन तब जब शोध और प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उनकी सख्त जरूरत है क्योंकि विषाणु को काबू में लाना है,
तो शोथ और प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं के खिलाफ काम करने वाली स्टेरॉइड जैसी दवाइयां उस वक्त ना दें बीमारी की शुरुआत में। लेकिन जब बीमारी इस हद तक जाती है कि भले ही आरटीपीसीआर की सीटी वैल्यू बढ़ रही हो, यानी कि विषाणु का प्रमाण कम हो रहा हो, लेकिन शोथ यूं बढ़ा है कि उस वजह से फेफड़ों में पानी जमा है, उस वजह से सांस में ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तब जाके आप शोथ के खिलाफ जो स्टेरॉइड जैसी दवाइयां हैं उन्हें इस्तेमाल में लाओ। ये जो सही सोच है, उस सोच को, उस नुआंस को, उस सूक्ष्मता को ना समझे शुरुआत से आप स्टेरॉइड शुरू कर दो तो दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। अब ये देखने में आने लगा है कि कई मरीजों में फंगल संसर्ग हो रहा है, जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। अब ये देखा गया है कि बड़ी जल्दबाजी में स्टेरॉइड दे दो और ऐसे मरीजों में दे दो जिन्हें पहले से डायबिटीज की बीमारी है, जिसमें फंगल इन्फेक्शंस की संभावना बढ़ती है, तो ऐसे में फिर म्यूकरमाइकोसिस जैसी अजीबोगरीब संक्रमणों की संभावना भी बहुत बढ़ती है। तो इसलिए जिम्मेदारी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर है कि सही सोचे समझे नतीजे पे के आधार पर ऐसी प्रणालियां बनाएं, ऐसे प्रोटोकॉल बनाएं, प्रणालियां बनाएं कि कब क्या करना चाहिए, किस अवस्था में बीमारी के, किस स्तर में बीमारी के, यानी कि वक्त भी देखना चाहिए और बीमारी की गंभीरता भी देखनी चाहिए और उसके मुताबिक सलाह मशवरा होना चाहिए कि उस प्रणाली में के कब क्या करना चाहिए। बगैर उसके ये जो भ्रम के आधार पर और डर के आधार पर सबका सब सबको हर हमेश दे दो, इससे नुकसान बहुत ज्यादा होना है। तो ये जो एक सरकार की भूमिका होनी चाहिए थी, और मैं इसको इसीलिए कह रहा हूं कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सरकार की तैयारी होनी चाहिए थी अस्पताल के लिए, कोविड सेंटर्स को चालू रखना चाहिए था, फरवरी में ख़त्म नहीं करना चाहिए था, और ऑक्सीजन का प्रबंध सिर्फ उत्पादन की नहीं वितरण की होनी चाहिए था। ये सब जो है सरकार की नज़र क्या कहेंगे कैलसनेस रही, एक गंभीरता पूर्वक सेकेंड वेव हो सकती है इसको नजरअंदाज करने की जो दृष्टिकोण रही, एक क्रिमिनल सा परिणाम लग रहा है इस वक्त, क्योंकि इतने सारे लोगों की जो संकट है इससे भी हुआ है। सही माने में बीमारी तो फैल सकता है, वो भी हम मान लेते हैं, चुनाव कराना चाहिए था यदि उसको हम नहीं उठा रहे हैं, पर कम से कम तैयारी ना रखने की कोई इसका कोई एक्सक्यूज जिसे कहेंगे वो नहीं हो सकता है। पर उसके साथ साथ अगर इस तरह की बीमारी फिर फैलता है, सेकेंड वेव आता है, तो उसके लिए कम से कम डॉक्टरी लेवल पे जो रिस्पॉन्स होनी चाहिए था वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कुछ प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है, गोवा में कुछ प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है, कोविड की जो कर्ता धरता है डॉक्टर्स है वो टेलीविजन में आके कुछ कह रहे हैं, पर लगता है एक जिसे कहेंगे एक ऐसी समझ जो कि सरकारी तंत्र के जरिए अब सब डॉक्टरों को बता पाए कि ये इस वक्त लेटेस्ट है जो हम दुनिया के स्तर पे देख रहे हैं, ये आपको करनी चाहिए, वैसा संदेश सरकार की ओर से इस वक्त नहीं जा रही है। कंफ्यूज सा संदेश जा रहा है और जगह जगह पर अपनी जो सरकार, राज्य सरकार है, डॉक्टर्स है, सरकारी डॉक्टर्स है, वो अलग अलग जो है अपने राय दे रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कन्फ्यूशन इस वक्त काफ़ी फैला हुआ है जनता में, और आप जानते ही हैं हिंदुस्तान है तो हम तो बिना प्रिस्क्रिप्शन भी दवाई ले लेते हैं, तो इस वक्त की स्थिति में और भी कन्फ्यूशन बढ़ने का संभावना है। मैं ही सुन रहा हूँ लोगों से कि कहते हैं कि अब ब्लड थिनर शुरू कर दीजिए, एस्पिरिन ले लीजिए,
आइवरमेक्टिन, मैंने जो जिक्र किया कि गोवा की सरकार आइवरमेक्टिन सबको देने के लिए कह रहे हैं, और कुछ डॉक्टर्स ये भी, सरकारी डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं चार दवाइयां अपने घर में रखिए, एक तो आइवरमेक्टिन, एस्पिरिन और एक स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक। अब ये इस तरह की जो राय है, इससे लोगों की सिर्फ पैंडेमिक की वजह से नहीं, इस तरह की उपदेश से भी जान जाने की खतरा है। काफी गफलत फैली हुई है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें दो तरीकों की परेशानियां और अड़चने हैं। एक और ये है कि आइवरमेक्टिन जैसी दवाएं, जिनके बारे में कोई सबूत नहीं है कि वो कोविड 19 के बारे में कुछ भी फायदा देती हैं, उनका इस्तेमाल बड़ा सर्वदूर फैला हुआ है, और ये तो सरासर गलत बात है। जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात है, जैसे कि आइवरमेक्टिन की बात है, ये बगैर नतीजे की दवाओं का एक गुट है। दूसरी ओर जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि स्टेरॉइड जैसी दवाइयां या एंटीबायोटिक जैसी दवाइयां बीमारी के दरमियान जिस वक्त जरूरत हो उस वक्त देनी चाहिए, न कि पहले दिन से देनी चाहिए। सोच समझ के लक्षणों के बारे में सलाह मशवरा करके, जांच करके, फिर उस आधार पर वो दवाइयां काम में लानी चाहिए। ये नहीं है कि घर में रखो और बीमार अस्वस्थ लगने लगे तो दवाइयां लेना शुरू कर दो, उससे तो नुकसान ही ज्यादा होना है। सत्यजीत, आखिरी बात, इस वक्त ऐसी कोई दवाइयां, दवाई है क्या जिस एक हिसाब से जो आप खा लेंगे और कोविड से, कोविड की असर आपसे चला जाएगा, ऐसी कोई दवाई अभी तक निकला है क्या? अंग्रेजी में कहते हैं कि दवा वाले उपायों का एक गुट है बीमारियों के लिए, और बगैर दवा वाले उपायों का एक गुट है फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, दवा वाले उपाय और नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, यानी कि बगैर दवा के या गैर दवाई उपाय। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने, हमने सब ने मिलकर साझा तरीके से कोविड 19 से बचना है तो गैर दवाई उपायों को अपनाना है, और वो गैर दवाई उपाय हम पिछले साल से भली भांति जानते हैं। हम ये जानते हैं कि शारीरिक दूरीकरण करना है, हम ये जानते हैं कि अच्छे मास्क पहनने हैं, हम ये अभी तक नहीं पूछ रहे सरकार से कि अच्छे मास्क हमें अभी तक सरकारी ओर से मिलने की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही, लेकिन हम जो तुले हैं कि कोई दवा दे दो और मैं अपनी ओर से सुरक्षित हो जाऊं। कोविड 19 का सबक ये है कि हम में से कोई भी अपने आप खुद के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक हम सारे मिलके सुरक्षित नहीं हो सकते। इसको कहते हैं nobody is safe unless everybody is safe। सबको सेफ्टी तभी होगी, हमको सेफ्टी तभी होगी जब सबको सेफ्टी होगी। एक साझा समझ, सामाजिक समझ, समाजवादी समझ एक हिसाब से कहें कि पूंजीवादी समझ से ये नहीं हो सकता कि हम अपना देखेंगे तो सबका भला हो जाएगा, सबका भला होगा तभी हमारा भला होगा। इसी बात से आज की चर्चा खत्म करते हैं। अगले बार हम इस हमारी इस हिंदी चर्चा में वैक्सीन के बारे में विस्तृत विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक और हमारे वेबसाइट भी देखिए। Thank you.